इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टेंसर फ्लो के अंदर कंप्यूटेशनल ग्राफ्स क्या होते हैं और हम उनको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उनको किस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और फिर उसको हम कंप्यूटेशनल ग्राफ क्रिएट करते हैं और उसको फिर विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले हमें टेंसर फ्लो इम्पोर्ट करना है, तो इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एज TF। ओके, हम लेट्स से दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं या कोई कॉन्स्टेंट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट वन इज इक्वल टू TF डॉट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम इनकी एडिशंस स्टोर कर लेते हैं, एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं TF डॉट एड और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉन्स्टेंट वन एंड कॉन्स्टेंट टू। अगेन हमें इस ऑपरेशन को रन करने के लिए एक सेशन की ज़रूरत है, तो सेशन कैसे क्रिएट करेंगे, सेस इज इक्वल टू TF डॉट सेशन। आप इसको इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन, दोनों तरीके वैलिड हैं। ओके, ये हमारे पास सेशन क्रिएट हो गया। अब इस ऑपरेशन को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल सेशन डॉट रन एडिशन एंड प्रिंट रिजल्ट, और उसके बाद हम सेशन को क्लोज कर देंगे। ओके, अब अगर हम इसको रन करके देखें, ओके, ये हम इसकी एडिशन रन कर एडिशन डिस्प्ले कर रहा है, शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसका कंप्यूटेशनल ग्राफ क्रिएट करना है और फिर उसके बाद इसको विजुलाइज करना है। देखते हैं कि हम इसका कंप्यूटेशनल ग्राफ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि लेट्स से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फाइल राइटर इज इक्वल टू TF डॉट समरी डॉट फाइल राइटर। यहाँ पे हम दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा जहाँ पे हम इस कंप्यूटेशनल ग्राफ को स्टोर करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हम इसको ये सेशन पास करेंगे जिसके अंदर हमारा कोई भी कंप्यूटेशन कोई भी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो सबसे पहले लेट्स से हमारे पास डेस्कटॉप एक फोल्डर ग्राफ, हम यहाँ पे अपना कंप्यूटेशनल ग्राफ स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। ग्राफ, ओके, नेक्स्ट हमें करना है सेशन डॉट ग्राफ। ओके, अब इस कमांड से क्या होगा, हमारा एक ग्राफ जनरेट होगा और वो इस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ओके, देखते हैं इसको रन करके कि ग्राफ क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ओके, अगर हम इस फोल्डर के अंदर जाएं, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है। ये बेसिकली उस जो हमने कंप्यूटेशनल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये उसका कंप्यूटेशनल ग्राफ यहाँ पे है। अब इसको विजुलाइज करने के लिए हमें टेंसर बोर्ड की ज़रूरत है। टेंसर बोर्ड एक लाइब्रेरी है, आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जहाँ पे हमारा ये फोल्डर पड़ा है वहाँ पे हमें टर्मिनल के थ्रू वहाँ पे जाना है, तो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, लाइक ओपन टर्मिनल, ओके, CD डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें ग्राफ का फोल्डर नज़र आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, टेंसर बोर्ड दो दफ़ा हाइफन लॉग DIR, तो यहाँ पे हमारा फोल्डर ग्राफ जिसके अंदर वो हमारा ग्राफ पड़ा हुआ है, तो लॉग DIR इज इक्वल टू हम पास कर देंगे इसको ग्राफ। ओके, एंटर करें और अब ये क्रिएट कर रहा है। ओके, ये हमें एक लिंक यहाँ पे शो कर रहा है कि इस लिंक के ऊपर इसने ये कंप्यूटेशनल ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आप ब्राउज़र में जाके डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं, इस लिंक को आपको आपका कंप्यूटेशनल ग्राफ विजुलाइज वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन लिंक करें तो ये हमें, ओके, ये हमें हमारा ये ग्राफ शो कर रहा है। ये हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें ये हमें बताएगा कि ये इसकी डेटा टाइप थी और
कुछ भी। और यहाँ पे इस ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करें, अगेन हमें ये इसके बारे में कि इसकी दो इनपुट्स थी, इसकी आउटपुट कोई नहीं है, इनकी आउटपुट्स होंगी, नहीं सॉरी, इनके एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर हम इसके अंदर मजीद लेट से एक और ऑपरेशन कुछ डिफाइन करते हैं, लेट से कॉन्स्टेंट 3 भी ऐड कर लेते हैं, कि हम दो ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, एडिशन 1 एंड एडिशन 2। एडिशन 1 में दोनों कॉन्स्टेंट्स को जमा करेंगे और इसमें हम एडिशन 1 को एंड कॉन्स्टेंट 3 को ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम एडिशन 1 को रन कर रहे हैं और यहाँ पे हम एडिशन 2 को रन करेंगे। ओके, अगेन इसको रन करते हैं। ओके, अब हमारा अगेन ग्राफ यहाँ पे अपडेट हो चुका है इस फोल्डर के अंदर, अगर आप जाके देखें तो। ओके, एनी हाउ हम टर्मिनल पे चलते हैं और अगेन हम वही कमांड रन करते हैं, टेंसर बोर्ड एंड दिस। ओके, ओपन लिंक। अब यहाँ पे इसको जूम आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें दोनों ऑपरेशंस इस ग्राफ में शो कर रहा है, एक ऑपरेशन हमारा ऐड 1 था, एक ऐड था। ओके, ये हमें इसके ऑपरेंड्स बता रहा है, ये इन दोनों के ऊपर परफॉर्म हुआ होगा और ये इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर ये परफॉर्म हुआ होगा।